की शुरुआत करते हैं। सीकर की खाटू श्याम जी में बड़ा हादसा हो गया, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बोरवेल में गिरा 4 साल का बच्चा, 4 साल का मासूम बोरवेल में गिरा है। और सरपंच वाली ढाणी में बिजरानिया कृषि फार्म हाउस में यह हादसा हुआ है। मौके के लिए 108 एम्बुलेंस सहित प्रशासन रवाना हो चुका है। मासूम को फिलहाल रेस्क्यू करने का प्रयास किया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें कि इस वक्त बड़ी खबर सीकर की खाटू श्याम जी से आ रही है, जहां पर बड़ा हादसा हो गया है। बोरवेल में गिरा है 4 साल का बच्चा, सरपंच वाली ढाणी में बिजरानिया कृषि फार्म हाउस में यह हादसा हुआ है। मौके के लिए 108 एम्बुलेंस भी रवाना हो चुकी है। प्रशासन की टीम इस वक्त मौके पर पहुंच रही है और मासूम को बोरवेल से निकालने के लिए यानी रेस्क्यू करने के लिए लगातार टीम वहां पर पहुंच करके प्रयास कर रही है। यह तस्वीर आप देख सकते हैं, मासूम 4 साल का बच्चा यह बताया जा रहा है, जो बोरवेल में गिर गया है और अब उसको निकालने के लिए प्रयास किया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। जी राजस्थान सबसे पहले इस वक्त आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा। बड़ा हादसा हो गया है सीकर की खाटू श्याम जी में, यह बड़ा हादसा है। बोरवेल में गिरा है 4 साल का मासूम और जिसका नाम गुड्डू बताया जा रहा है। सरपंच वाली ढाड़ी के बिजरानिया कृषि फार्म हाउस पे यह हादसा हुआ है। मौके के लिए 108 एम्बुलेंस सहित प्रशासन की टीम रवाना हो चुकी है। मासूम को बोरवेल से निकालने का प्रयास किया जा रहा है। इस वक्त बड़ी खबर तस्वीर आपके सामने, यही वो बोरवेल है जहां पर आप देख सकते हैं लोग देख रहे हैं और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है। बताया जा रहा है कि किसी भी तरीके से बच्चे को जल्दी निकाल लिया जाए और अभी ये नहीं पता चल पा रहा है कि आखिर कितने नीचे ये बच्चा गया है और कितनी गहराई में है, लेकिन अभी बोरवेल में गिरने की खबर इस वक्त सामने आ रही। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और प्रशासन की टीम का इंतजार किया जा रहा, कुछ देर में पहुंच जाएगी। और इसके अलावा साथ साथ बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस भी मौके पर बुला लिया गया है। सीताराम मीणा हमारे साथ, हमारे स्थानीय सहयोगी जुड़ गए हैं। सीताराम, क्या रेस्क्यू शुरू हुआ अभी तक? बच्चा कितने नीचे है, कोई जानकारी मिल पा रही है अंदर से? हाँ सर, अभी बच्चा है 45 फुट के नीचे है और यहाँ पर प्रशासन उसको बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। रेस्क्यू चालू हो चुका है। वहाँ मौके पर एसडीएम दादारामगढ़ राजेश कुमार मीणा, डीपी सुरेंद्र सिंह, तहसीलदार विपुल चौधरी सहित आला अधिकारी मौके पर मौजूद है। ग्रामीणों की काफी भीड़ लगी हुई है। ऑक्सीजन बच्चे को बोरवेल में दी जा रही है, अभी बच्चे को निकालने की कोशिश की जा रही है। 45 फुट की गहराई पर बच्चा अटका हुआ है जी। तो क्या बोरवेल के साइड में गड्ढा खोदा जा रहा, निकाला कैसे जा रहा है, रेस्क्यू चल कैसे रहा है? पहले पुराना भैयाली ये बोरवेल था, इसकी खुदाई करके आधा को इसको घूर दिया गया था। बच्चा घर के बाउंड्री के अंदर ही ये बोरवेल है, तो बच्चा खेलते हुए उस बोरवेल के अंदर गिर गया, जिससे वो गहराई तक पहुंच गया। क्या बच्चे की आवाज वगैरह कोई अभी तक जानकारी मिल पाई अंदर? बच्चे की कोई आवाज अभी तक नहीं सुनाई दे रही है, उसकी कोशिश की जा रही है। ऑक्सीजन गैस उसको दिया जा रहा है। अभी एक ठेला नुमा बना के उसको अंदर प्रवेश किया गया, जहाँ से एक आदमी अंदर बोरवेल की आधी खुदाई के अंदर है और उसको पूरे निकालने की कोशिश की जा रही है। क्या किसी आदमी को बोरवेल में उतारा जा रहा है? इतना जगह, इतनी स्पेस है, कैसे निकाला जा रहा है? उस एक आदमी बोरवेल को खुदाई की और उस एक आदमी को अंदर उतारा गया, आधी दूर तक करीब 20 फुट की गहराई तक, 45 फुट की गहराई पर बच्चा अटका हुआ है। तो बच्चे का पता कैसे चला 45 फीट तक है? क्या दिख रहा है बच्चा? बच्चा उसकी गहराई उसको घर वालों ने बता रखा है, बताया कि हमने इसको घूर दिया था, इसके 45 फुट तक की गहराई तक ये बाकी रहा था। अभी सिर्फ घर वालों के कहने पर अनुमान लगाया जा रहा है कि 45 फीट नीचे बच्चा होगा। अभी टीम की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई इस पर? अभी टीम इसकी पूरी गहराई नहीं बता पा रही है। तो कब तक बच्चे को निकाल लिया जाएगा, रेस्क्यू किस तरीके से किया जाएगा? कोई अभी टीम में कौन कौन पहुंचा है? क्या जिला टीम पहुंची है रेस्क्यू करने के लिए? कौन पहुंचा है इस वक्त? रेस्क्यू टीम भी पहुंच चुकी है सीकर के यहाँ पर और रेस्क्यू टीम उसको निकालने की कोशिश कर रही है। अभी तक बच्चे को निकालने का प्रयास किया जा रहा है, अभी तक ये निकाल सकता है कितनी देर में निकाला जाएगा बच्चे को। और अधिकारियों में कौन मौजूद है वहां पर अभी जिला टीम की तरफ से? दातारामगढ़ एसडीएम राजेश कुमार मीणा, जीओ रिंगस सुरेंद्र सिंह, तहसीलदार विपुल चौधरी, थाना अधिकारी रिया चौधरी और आला अधिकारी मौजूद है। व्यवस्था क्या की जा रही है बच्चे को रेस्क्यू करने के लिए वहां पर? क्या ये जो जुगाड़ तंत्र है उसके जरिए निकाला जा रहा है या फिर कोई मशीन वगैरह मंगवाई गई है? नहीं, मशीनें भी मंगाई गई है, मशीन पहुंचने वाली है, मशीन पहुंच चुकी है, उसकी खुदाई की जाएगी, इसके लिए जेसीबी आ चुकी है। अच्छा, बच्चे को ऑक्सीजन वगैरह मिल पा रहा है, इसकी जानकारी कोई मिल पाई? बच्चे को ऑक्सीजन लगातार दी जा रही है। ऑक्सीजन दी जा रही है? हाँ। तो कितना घंटा अभी तक हो चुका है बच्चे को उसमें गिरे हुए, कब जानकारी मिल पाई? गिरे हुए करीब 2.5 घंटे हो चुके हैं। 2.5 घंटे के आसपास। और क्या जब ये हादसा हुआ वहां पर घर परिवार के लोग कोई मौजूद थे? हाँ। कैसे ये बच्चा बोरवेल की चपेट में आया?
ये बोरवेल घर की बाउंड्री के यानी मकान के परिसर के अंदर स्थित है। ये पुराना बोरवेल था जिसकी इसको खुदाई करके बंद किया जा रहा था, उसको आधी खुदाई करने के बाद इसको तोड़ दिया गया, बच्चा खेलता हुआ बोरवेल के अंदर समा गया। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। और साफ तौर पर यह तस्वीर हम आपको दो दिखा रहे, एक तरफ वो तस्वीरें हैं जहां पर बोरवेल है और जहां यह बच्चा गिरा, एक तरफ ये चार साल का मासूम जो इस बोरवेल की चपेट में आ गया है। बताया जा रहा है कि 45 फीट नीचे इस वक्त है और 45 फीट इस बोरवेल की गहराई है। हालांकि टीम मौके पर रेस्क्यू की टीम पहुंची है और रेस्क्यू करने की पूरी तैयारी की जा रही है, निकालने का प्रयास किया जा रहा है और मशीनों को मंगा लिया गया है, ऑक्सीजन सप्लाई लगातार अंदर की जा रही है। लगभग 2.5 से 3 घंटा हो चुका है बच्चे को नीचे गिरे हुए और अभी निकालने की तैयारी की जा रही है। तमाम टीमें मौके पर पहुंची है लेकिन ये वो मासूम है जो इस वक्त इस बोरवेल के नीचे यानी बोरवेल में फंसा हुआ है। गुड्डू नाम बताया जा रहा है, 4 साल का ये बच्चा जो खेलते खेलते बोरवेल की चपेट में आ गया, उसे में गिर गया और बताया जा रहा है कि बोरवेल खुला हुआ था। सीताराम धन्यवाद आपका इस पूरी तमाम जानकारी के लिए, लगातार वहां पर आप नजर बनाए रखिए, उसके बाद फिर आएंगे आपके पास। बहरहाल ये तस्वीर आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और पूरे राजस्थान की तरफ से जैसे ही जानकारी मिली है सबकी दुआएं इस वक्त है, बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए और टीम इस वक्त लगी हुई है किसी भी तरीके से बच्चे को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। तो इसकी पूरी जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे, टीम मौके पर पहुंची, इंतजार किया जा रहा है कि जल्द बच्चे को रेस्क्यू करके बाहर निकाल सके।